दोस्तों मैंने कमेंट बॉक्स में आप में से काफी लोगों के कमेंट पढ़े कि भाई डेली हैंड में हम यूज को कैसे बढ़ाएं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को इसका जवाब वीडियो बना के दिया जाए कि कैसे आप लोग अपने डेली हैंड के व्यूज को बढ़ा सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि मैं आप लोगों को सही से समझा सकूं कि कैसे आप लोगों को अपने डेली हैंड के व्यूज को बढ़ाना है। और दोस्तों आप लोग इस वीडियो को स्किप मत करना और ना ही बीच में छोड़ के चले जाना, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूं। तो प्लीज हमारी इस मेहनत को सफल बनाने के लिए प्लीज वीडियो को पूरा देखना, और दोस्तों हो सके तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना। जब भी दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के लिए अच्छी और अच्छी वीडियो लानी चाहिए। तो एक लाइक कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, और इस वीडियो को शेयर भी कर देना अगर आपको लगे कि ये नॉलेज किसी के साथ शेयर करनी चाहिए, तो शेयर कर देना। और चैनल पर पहली बार आए हो और ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर देना। अब दोस्तों हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो ऐसे कमाल के तरीके बताने वाला हूं जिसकी मदद से दोस्तों आप लोग अपने डेली हैंड के व्यूज को बूस्ट कर पाएंगे, यानी कि अच्छे खासे व्यूज आप लोग ला पाएंगे अपने डेली हैंड के आर्टिकल में। तो दोस्तों जो सबसे पहला तरीका यह है कि जब भी आप कोई भी आर्टिकल लिखे तो दोस्तों वो आर्टिकल ऐसा होना चाहिए कि दूसरों ने ना लिखा हुआ हो, क्योंकि दोस्तों आप में से काफी लोग ऐसा करते होंगे कि किसी और ने आर्टिकल लिखा है तो वैसा ही आर्टिकल वो अपने अकाउंट में लिख देते हैं, जिसके कारण दोस्तों उन्हें केवल 50 या फिर 100 व्यूज ही मिलते हैं और काफी को तो दोस्तों 0 व्यूज भी मिलता है। हाँ दोस्तों आपको पता ही होगा, जिसने डेली हैंड का अकाउंट यूज करते हैं उन्हें पता ही होगा कि कई ऐसे आर्टिकल होते हैं जिनमें व्यूज भी नहीं आते हैं, डैश आ जाता है। तो आप लोगों को क्या करना है कि जब भी आप कोई भी आर्टिकल लिखें तो दोस्तों वो सबसे यूनिक और उसका जो टाइटल और थंबनेल वो भी यूनिक होना चाहिए, लोगों को अट्रैक्ट करना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, ताकि देखते ही लोग उस आर्टिकल पे आने चाहिए, तब जाके दोस्तों आपके आर्टिकल में अच्छे खासे व्यूज आएंगे। और दोस्तों आप लोगों को एक और चीज करनी है कि जो लोग जिस न्यूज को कवर नहीं करते हैं उसी न्यूज को आपको कवर करना है। आप लोग देखना दोस्तों उस आर्टिकल पे बहुत ही अच्छे खासे व्यूज आएंगे। मैंने खुद ट्राई किया है दोस्तों, जिस न्यूज को किसी ने कवर नहीं किया था उस न्यूज को मैंने कवर किया तो 5000 प्लस व्यूज मुझे मिले थे केवल एक दिन में। तो आप लोग इस ट्रिक को ट्राई कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं अपने डेली हैंड के अकाउंट में आर्टिकल लिखते समय, तो आपके अच्छे खासे व्यूज आएंगे। और दोस्तों जो ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं उस पर आप लोग लिख सकते हैं, अगर किसी और ने भी लिखा है तो आप भी लिख सकते हैं, क्योंकि ट्रेंडिंग टॉपिक है तो ट्रेंडिंग टॉपिक पे अच्छे खासे व्यूज आएंगे, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों हम जानते हैं डेली हैंड पे व्यूज लाने के दूसरे तरीके के बारे में। तो दोस्तों दूसरे तरीके में कुछ ऐसा है कि आप में से काफी लोगों को ऐसा लगता होगा कि केवल हिंदी और इंग्लिश में लिखने से ही व्यूज आते हैं। नहीं दोस्तों ऐसा नहीं है, अगर आप लोग अपनी मातृभाषा में लिखेंगे जो भी आपकी मातृभाषा है और डेली हैंड सपोर्ट करता है, जैसे कि गुजराती, मराठी, कन्नड़, अगर ऐसी भाषाएं डेली हैंड सपोर्ट करता है और आपकी मातृभाषा भी वही है तो आप अपनी मातृभाषा में आर्टिकल लिखिए, फिर देखना कि व्यूज आते हैं कि नहीं। दोस्तों पहले मैं हिंदी में आर्टिकल लिखता था लेकिन दोस्तों मुझे व्यूज 50, 100, 150, 200 ऐसे ही मिलते थे, लेकिन दोस्तों जब से मैंने अपनी मातृभाषा में आर्टिकल लिखना शुरू किया तो दोस्तों मेरे व्यूज काफी बूस्ट हो चुके हैं, मुझे अच्छे खासे व्यूज मेरी मातृभाषा में लिखने से ही मिल जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपकी मातृभाषा तमिल, कन्नड़, मलयालम या फिर हिंदी है तो आप लोग उसी मातृभाषा में ट्राई करिए, फिर देखना कि व्यूज आते हैं कि नहीं, और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना अगर आपको इससे फायदा होता है तो जरूर बता देना, ताकि मुझे अच्छा लगे और मुझे मोटिवेशन मिले कि मैंने आप लोगों की मदद की और आपको फायदा हुआ, तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बता देना। तो दोस्तों ये थे वो दो तरीके जिसकी मदद से आप लोग अपने डेली हैंड के व्यूज को बूस्ट कर सकते हैं, यानी कि बढ़ा सकते हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। अगर दोस्तों आप लोगों को ऐसे ही वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर देना, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो हमेशा लाता रहता हूं। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक और नई बढ़िया और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।